फ्रेंड्स वेलकम बैक टू चैनल। सो दोस्तों आज हम जा रहे हैं नाहरगढ़ के लिए और यहाँ पर हम ब्लॉग जो कवर करेंगे इसके अंदर करेंगे नाहरगढ़ कवर, जहाँ पर शूटिंग हुई थी रंग दे बसंती की और शुद्ध देसी रोमांस। मूवीज तो आपने देखी होगी लेकिन प्लेस आज आप इस ब्लॉग के अंदर देखेंगे और काफी मजा आने वाला है, तो बने रहिए वीडियो के साथ आखिर तक। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइएगा जब आप पूरा वीडियो एंड तक देखें। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों के पास जाने के बाद वहां से हम लेके कार और उसके अंदर बैठ के फिर आगे बढ़ेंगे। पकौड़ी ली जाए और यहाँ पर हम आपको दिखाने वाले हैं पकौड़िया। जयपुर की काफी फेमस दाल की पकौड़े होते हैं, ठंड में बनती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ पकौड़ी के नज़ारे। तो देखिए दोस्तों कितनी बढ़िया बढ़िया गर्म पकौड़िया बन रही है। यहाँ पे भैया इसको सर्व कर रहे हैं, इसके अंदर यहाँ पे पकौड़िया बनी जा रही है। देखिए आप गर्मा गर्म, अलग ही माहौल है, अलग ही लेवल है जहाँ पर बन रही है गर्म गर्म पकौड़िया। पकोड़ी वाले अंकल मिलेंगे आपसे, ठंड में खड़े होते हैं यहाँ पे विंटर्स में ही, तो यहाँ पे वो विंटर्स में खड़े होते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, तो ये इनकी पकोड़ियाँ बन रही है गर्मा गर्म और यहाँ देख सकते हो आप। तो दोस्तों देखिए आप कितनी गर्मा गर्म पकोड़ियाँ बन रही है। तो यहाँ पर आप ठंड में कभी भी आते हैं जयपुर तो ये 5 से 10 यहाँ पे बैठते हैं। अभी 2020 है, लॉकडाउन का टाइम है, इसलिए 7 बजे का टाइम है, लेकिन कोई बात नहीं, आप 10 बजे भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे नॉर्मल। व्यू अच्छा है, एकदम क्लीन है। कितने डिग्री सेल्सियस है अभी? देखिए आप कितना प्यारा व्यू लग रहा है। तो हम नाहरगढ़ का रास्ता पकड़ने वाले ऊपर के लिए, तो शुरू हो गया है हमारे नाहरगढ़ का रास्ता और ये ऊपर तक जाएगा। सो गाइस ये जो रास्ता है पूरा 14 किलोमीटर का है और यहाँ से कार को बहुत ही स्मार्टली लेके जाना पड़ता है क्योंकि थोड़ा रिस्की भी है, बट इट्स गुड। आप लोग काफी अच्छा लगेगा आप लोग को। ये जो जगह है आप देख रहे हैं काफी मोस्ट हैपनिंग प्लेस है, यहाँ पे लोबाग सबसे ज्यादा चिल करते हैं। अभी कम है लोबाग लेकिन काफी अच्छी जगह है ये वाली। एंट्री कर ली है नाहरगढ़ के अंदर। ये एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है और आपको मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे रिसेंटली एक
बहुत ही बड़ी अच्छी वेब सीरीज की शूट हुई थी जिसका नाम है आर्य, जहाँ पे सुष्मिता सेन जी थी, आप देख सकते हैं वो वाला प्लेस। तो यही है वो एरिया जहाँ पे लास्ट का क्लाइमेक्स पार्ट था जो कि यहीं पे शूट किया गया है। तो गाइस ये देख सकते हैं आप कितना हसीन है ये व्यू, कितना बढ़िया लग रहा है। आप देखिए हम लोग आ गए हैं फाइनली इस प्लेस पे और अब आपको थोड़ा पड़ाव का व्यू दिखाने वाले हैं। तो बहुत ही मजेदार व्यू है, तो बनी रहिए वीडियो के साथ। तो दोस्तों अब ऊपर की तरफ चल रहे हैं हम, बढ़िया व्यू दिखा रहे हैं आपको। तो दोस्तों आप देख सकते हैं काफी अच्छा एटमॉस्फेयर है, व्यू भी काफी अच्छा है और आप देख सकते हैं काफी मजेदार बना हुआ है सीन यहाँ पे। और जो व्यू है वो आप देख ही सकते हैं, इतना लाजवाब है। सो बेसिकली बहुत ही प्यारा प्लेस है। सो आप लोग भी आ सकते हैं इस तरफ कभी भी एनी टाइम। था नाहरगढ़ और यहाँ पर इवनिंग के टाइम पे इस तरीके के शोज़ वगैरह होते रहते हैं, कैरियोके वगैरह, और इस तरह का यहाँ पे माहौल रहता है। बहुत ही हैपनिंग प्लेस है, आप लोग भी कभी जयपुर आते हैं तो यहाँ पर विजिट कीजिए। और अगर आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिएगा। और साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ सॉरी फॉर दैट कि मैं आपको प्लेसेस नहीं दिखा पाया जहाँ पे रंगदेव बसंती की शूटिंग हुई थी, बट नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगा क्योंकि वो जगह बंद हो गई है और जयपुर में लॉकडाउन चल रहा है अभी कि 7 बजे के बाद यहाँ पे कुछ भी ओपन नहीं रहता है 2020 के अंदर। सो अभी देखते हैं उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अगर जब भी ओपन होगा तो हम डेफिनेटली जाएंगे। सो आई होप आप लोगों ने ये वीडियो एंजॉय किया होगा, वीडियो एंजॉय किया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करते हुए जाएं मेरे चैनल को। तब तक के लिए बने रहें मेरे चैनल के साथ, टेक केयर।